हेलो व्यूअर्स, एक बार फिर आपका स्वागत है एक्सप्लोरिंग जियोलॉजी यूट्यूब चैनल पे। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉमन टॉपिक्स फॉर सीएसआईआर नेट एंड गेट जियोलॉजी एंड जियोफिजिक्स, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि गेट और नेट की प्रिपरेशन एक साथ करते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहूँगा कि कुछ टॉपिक्स हैं जो कॉमन हैं दोनों पेपर्स में, और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और एक और अच्छी बात यह है कि इसमें साथ साथ मैं रेफरेंसेज भी आपको बताऊंगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स की तरफ से ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि जो आपने टॉपिक्स बताए हैं, क्योंकि इससे पहले हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाई थी सीएसआईआर नेट के लिए, तो स्टूडेंट्स की ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर इन टॉपिक्स को हम कहाँ से कवर करें, इसलिए मैंने इसमें रेफरेंसेज भी ऐड किए हैं। और ये वीडियो जो है दो पार्ट में आने वाला है, आज इस वीडियो का ये फर्स्ट पार्ट है, क्योंकि 20 के अराउंड जो है कॉमन टॉपिक हैं जो दोनों पेपर्स में हैं, तो मैंने फर्स्ट 11 टॉपिक यहाँ पे लिए हैं, तो ये हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं। आगे बढ़ने से पहले नए व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि एक्सप्लोरिंग जियोलॉजी ग्रुप ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, जिसका मेन फोकस रहता है जियोसाइंसेस के बारे में सोसाइटी को अवेयर करना, कम्पिटेटिव एग्जाम प्रिपरेशन में स्टूडेंट्स की हेल्प करना, और एम्प्लॉयमेंट न्यूज के बारे में एस्पिरेंट्स को इन्फॉर्म करना। अगर आप इस तरीके की वीडियोज में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी हम नई वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। यूट्यूब के अलावा जो इसका फेसबुक ग्रुप, फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल है, इनके लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा, ताकि आप वहां से आसानी से जुड़ सकें। अगर आप जियोसाइंस रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, geology247@gmail.com पे आप हमें लिख सकते हैं। तो चलिए आज का डिस्कस स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो अगर हम कॉमन टॉपिक्स की बात करें, यहाँ पे मैंने रेफरेंस में एक्चुअली दो कॉलम यहाँ पे बनाए हुए हैं, एक में सीएसआईआर नेट के लिए वो बेस्ट तरीके से हम टॉपिक कहाँ से कवर कर सकते हैं, और दूसरा है गेट के लिए हमें कहाँ से कवर करना चाहिए, क्योंकि दोनों एग्जाम्स का जो लेवल है वो थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि जो सीएसआईआर नेट का एग्जाम होता है उसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, आपका जो कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग के बेस पे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दूसरी तरफ जो गेट का क्वेश्चन पेपर होता है उसमें आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन काफ़ी देखने को मिलती है। ओके, तो मैं रिलेटिवली इनको कंपेयर करके आपको दो टाइप के रेफरेंसेज बताऊंगा, जहाँ पे जरूरत होगी अलग अलग बुक से पढ़ने की जरूरत मुझे लगी वहाँ पे मैंने दो रेफरेंसेज दिए हैं, जहाँ पे एक बुक से अच्छे से कवर हो रहा है टॉपिक उसके लिए मैंने एक बुक रेफर किया है। तो यहाँ पे जो पहला कॉमन टॉपिक मुझे मिला वो है आइसोस्टेसी। तो आइसोस्टेसी को अगर आप सीएसआईआर नेट के लिए कवर करना चाहते हैं तो ग्लोबल टेक्टोनिक्स पी कैरे के नाम से बुक है, तो यहाँ से आप इसको कवर कर सकते हैं। गेट के लिए अगर आपको आइसोस्टेसी को कंसेप्ट क्लियर करना है तो आपको फंडामेंटल्स ऑफ जियोफिजिक्स बाय विलियम लोरी पढ़ना पड़ेगा। ओके, क्योंकि इसमें थोड़ा सा न्यूमेरिकल पोर्शंस भी रहते हैं गेट में, उस हिसाब से भी जो रेफरेंस ज़्यादा बेटर रहेगा आइसोस्टेसी के टॉपिक के लिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज सोइल फॉर्मेशन। सोइल फॉर्मेशन आप कवर कर सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ सेडिमेंटोलॉजी एंड स्टेटिग्राफी बाई सैमबोग। तो इसमें काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है सोइल फॉर्मेशन और वेदरिंग, दोनों ही टॉपिक आप जो है इस बुक से कवर कर सकते हैं, और गेट के लिए भी यहाँ से पढ़ना आपके लिए सफिशियंट रहेगा। ओके, तो इस टॉपिक के लिए दोनों एग्जाम के लिए ये रेफरेंस आप फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। अगर आप सीएसआईआर नेट के लिए कवर करना चाहते हैं तो अंडरस्टैंडिंग अर्थ की जो बुक है उससे आप रेफर कर सकते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। वहीं पे अगर आपको इसको कवर करना है गेट के लिए तो आपको फंडामेंटल ऑफ जियोफिजिक्स बाय विलियम लोरी पढ़नी पड़ेगी। ओके, तो आप अपनी प्रेफरेंसेस देखिए, अपनी प्रायोरिटीज देखिए, कौन सा एग्जाम तो आप प्रेफरेंस लेके चल रहे हैं, तो उस हिसाब से आपको कवर करना है। नेक्स्ट जो टॉपिक है बेसिक्स ऑफ रिमोट सेंसिंग, ये आप आरपी गुप्ता की जो रिमोट सेंसिंग की बुक है वहाँ से कवर कर सकते हैं, दोनों एग्जाम के लिए सफिशियंट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि आप दोनों एग्जाम की पैरेलल प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि आपको वन बाय वन इन एग्ज़ाम को अगर आप टैकल करेंगे तो आप ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएंगे। ओके, और जो स्टूडेंट अभी अपने मास्टर कोर्सेज में हैं उनके लिए मेरा एक और सजेशन ये है कि अगर आप गेट के लिए प्रिपरेशन कराना चाह रहे हैं तो गेट के लिए आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए अपने जो है और सेमेस्टर्स में, क्योंकि गेट का जो एग्ज़ाम है वो फैब में आपको देखने को मिलता है, और फैब में जो है आपका जो फर्स्ट सेम है वो लगभग दिसंबर या जनवरी में आप उन एग्ज़ाम से फ्री हो जाते हैं सेमेस्टर एग्ज़ाम से। ठीक है, तो आपके पास ये टाइम होता है कि आप जो है गेट के लिए फिर एक डेढ़ महीना आपको अच्छे से रिवाइज करने के लिए मिल जाता है। वहीं अगर आप देखें जो सीएसआईआर नेट का एग्ज़ाम रहता है वो दिसंबर और जून में आपको देखने को मिलता है, तो यहाँ पे ही यूजुअली जो आपको सेमेस्टर एग्ज़ाम के बीच में डिस्टर्ब करता है। तो आप इस तरीके से प्रेफरेंस लेके चल सकते हैं कि जब आप और सेमेस्टर्स में हैं दिसंबर वाला नेट आप स्किप कर सकते हैं, और जुलाई में आप नेट के ऊपर फोकस कर सकते हैं,
और ये वाला जो टाइम होता है वो आप गेट के एग्जाम के लिए आप डिवोट कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप प्रॉपर प्लानिंग करेंगे तो आप अच्छी परफॉर्म कर पाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो यहाँ पे दिया हुआ है क्रिस्टल केमिस्ट्री, तो क्रिस्टल केमिस्ट्री के लिए आपको फॉलो करनी है इंट्रोडक्शन टू मिनरोलॉजी बाई विलियम डी नेसे। ये इस में एग्जैक्ट इस हेडिंग से एक चैप्टर दिया हुआ है, तो उसको आप अच्छे से कवर करें, ये दोनों एग्जाम के लिए आपके लिए सफिशियंट रहेगा। नेक्स्ट इज डायग्नोस्टिक फिजिकल एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मिनरल्स। ये काफ़ी कॉमन टॉपिक है और जियोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए मैं ये कहूँगा कि काफ़ी ईजी टॉपिक ये रहता है। तो इसको आप रटलेज एलिमेंट ऑफ मिनरोलॉजी से कवर कर सकते हैं, और रटले का जो 26th एडिशन है दैट इज स्पेसिफिकली वेरी गुड, ठीक है, तो आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। तो दोनों एग्जाम के लिए रटलेज एलिमेंट ऑफ मिनरोलॉजी सफिशियंट रहेगा फिजिकल एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज के लिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है फेज डायग्राम इन इग्नियस पेट्रोलॉजी। फेज डायग्राम इन इग्नियस पेट्रोलॉजी के लिए आपको इंट्रोडक्शन टू इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी बाय जेडी विंटर। बहुत ही कॉमन, बहुत ही फेमस बुक है और स्टूडेंट्स की काफ़ी चॉइस रहती है जेडी विंटर। तो जेडी विंटर काफी अच्छी बुक है, यहाँ से आप इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं, दोनों एग्जाम के लिए सफिशियंट है। नेक्स्ट जो टॉपिक है मेटामॉर्फिक फेसेस एंड ग्रेड, इसके लिए आप जेडी विंटर भी फॉलो कर सकते हैं, या ग्रेड के लिए स्पेसिफिकली विंकलर की बुक है वहाँ से आप इसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से आप गेट के एग्जाम के लिए भी ये दोनों बुक रेफर कर सकते हैं। तो मेटामॉर्फिक फेसेस के लिए स्पेसिफिकली जेडी विंटर अच्छी है, और जो ग्रेड हैं वो आप विंकलर से कवर कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट टॉपिक इज थ्योरी ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, बिहेवियर ऑफ रॉक्स अंडर स्ट्रेस एंड मोर सर्कल। ये वाला जो टॉपिक है ये अगर आपको सीएसआईआर नेट के लिए कवर करना है तो स्ट्रक्चरल जियोलॉजी फंडामेंटल्स एंड मॉडर्न डेवलपमेंट बाई एस के घोष इज वेरी गुड बुक, और अगर आप गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो फंडामेंटल्स ऑफ स्ट्रक्चरल जियोलॉजी बाई आर जी पार्क ये आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगी, ओके। एस के घोष जो है वो डिटेल्ड बुक है और ये रिलेटिवली जो है छोटी बुक है, तो यहाँ से आप इजिली और आसानी से और कम टाइम में कवर कर सकते हैं, ओके। तो इस तरीके से आपको लेके चलना है। नेक्स्ट टॉपिक जो है ज्योमेट्री एंड जेनेसिस ऑफ फोल्ड, ये भी काफ़ी कॉमन टॉपिक रहता है जो कि हर बुक में आपको यूजुअली देखने को मिल जाता है, तो ये आप एस के घोष से भी कवर कर सकते हैं या फिर आर जी पार्क के साथ एम पी बिलिंग से आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 11 टॉपिक आज हमें कवर करने थे, नेक्स्ट वीडियो में हम जो है बाकी टॉपिक्स इसके कवर करेंगे जो कि दोनों एग्जाम के लिए कॉमन है, ओके। और काफ़ी स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट ये भी आ रही थी कि सर इसका कॉन्टेंट हमें कहाँ से मिलेगा, तो कॉन्टेंट के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मैक्सिमम बुक्स और पीडीएफ्स आपको देखने को मिल जाएंगी, तो वहाँ से आप कवर कर सकते हैं, ओके। तो पीडीएफ के लिए आप जो है एक्सप्लोरिंग जियोलॉजी के नाम से जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो आप ज्वाइन कर लीजिए, ओके। तो ये था हमारा आज का छोटा सा डिस्कशन, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, अगर पसंद नहीं आती है तो डिसलाइक करने का भी पूरा हक है, बट डिसलाइक करने का रीज़न हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं ताकि आने वाले टाइम में वीडियोज़ को इम्प्रूव किया जा सके। अगर आप पर्सनली मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो जेपी बनवाला के नाम से फेसबुक पे मेरी आईडी, और फेसबुक के अलावा टेलीग्राम, लिंक्डइन और ट्विटर पे भी अवेलेबल हूँ, ये सारे लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूँगा, वहाँ से आप आसानी से जुड़ सकते हैं। वीडियो को अच्छे से यूटिलाइज करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके चलना है, एक दूसरे की हेल्प करनी है, ठीक है। तो हम जितना ज़्यादा चीज़ों को शेयर करके चलेंगे तभी जो है हम एक दूसरे की हेल्प कर पाएंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, बी हैप्पी, जय हिंद।